हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो किया था कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का। हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, दैट इज रेशियो एनालिसिस। वी ऑल नोज रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के हमारे चार टूल थे, जिसमें एक कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। दिस इज रेशियो एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो पॉइंट, रेशियो वर्ड इज नॉट न्यू फॉर यू। This is only the arithmetical expression of relationship between two interdependent or related items. जब हम दो related items को के बीच में mathematically कुछ relation establish करते हैं, that is your ratio. और यही ratio अगर हम calculate करते हैं accounting information की, यही जो रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर हम ये दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बीच में कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। हम अकाउंटिंग रेशियो को या रेशियो को कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली टर्म्स में? देर आर फोर वे टू प्रेजेंट इट, एक्सप्रेस इट। वन, प्योर रेशियो, 2:1। हम कोई भी दो आइटम के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, That is 2:1, like current assets और current liabilities के बीच में, debt और equity के बीच में, किन्हीं भी दो accounting information के बीच में जब हम relation establish करते हैं तो उनको हम express कर सकते हैं pure ratio में, like 2:1, percentage way में, like 25%, times में, like 4 times, और fraction में, like 3/4। Accounting ratio में आप बहुत सारे ratio के फॉर्मूले लर्न करेंगे, बहुत सारे दो आइटम्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। उनमें से कुछ प्योर रेशियो के वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं, कुछ परसेंटेज में, कुछ टाइम्स में और कुछ फ्रैक्शन में। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, दैट इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। तो हमको उसको बोलेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर। हमें रेशियो टॉपिक में यह हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें हम अकाउंटिंग रेशियो निकाल रहे हैं, किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल फैक्टर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जो हमारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, देयर आर सो मेनी। सो वी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, वी स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ अ बिजनेस। अब नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्ट होता है? What is the main object of doing this? First, accounting information को simplify करने के लिए, आसान बनाने के लिए, जिससे हम उसको better तरीके से समझ सके। बच्चों, जितनी भी accounting informations होती हैं, हमारा जो financial statement होता है उसे हर stakeholder आसानी से नहीं समझ सकता। A person who have accounting knowledge, वो तो समझ सकते हैं, पर सभी stakeholder फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं समझ सकते। तो हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रेशियो की हेल्प से उसका प्रेजेंटेशन इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे उसको हर व्यक्ति, मतलब हर स्टेक होल्डर आसानी से समझ सके। टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, बिजनेस की लिक्विडिटी डिटरमाइन करना, हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को असेस करना, पता लगाना हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी चल रही है, जिस काम में हम एक्चुअल में इन्वॉल्व हैं उसको हम कितनी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना। एंड लास्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस, अपने बिजनेस के
जितने भी फैक्टर्स हैं उसको अपने लास्ट ईयर से और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। तो रेशियो एनालिसिस के हेल्प से हम ये आसानी से कर पाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, कि हमारे अकाउंटिंग रेशियो के कितनी तरीके के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। सभी बच्चे जानते हैं लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विडिटी उसकी कैश में कन्वर्टेबिलिटी, कितना कैश हमारे पास है जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकें। तो एक्चुअल में लिक्विडिटी रेशियो हमारी शॉर्ट टर्म, हमारी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है वो हमारी लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। इसमें यूजली दो रेशियो बताए जाते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो इटसेल्फ, दो रेशियो होते हैं इसमें, ठीक है, जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। दूसरा है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। अब आप कहेंगे यहां भी सॉल्वेंसी पता करी थी, यहां भी सॉल्वेंसी आ गया, यहां सॉल्वेंसी पता करी थी हमने शॉर्ट टर्म, और यहां हम पता कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म। इट इज रिटन दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसके लिए हमारे, इसके अंडर में हमारे फोर रेशियोज आते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये इसके अंडर में आते हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एंड दीज रेशियो शोज दी हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज वर्किंग, हमारी कंपनी कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है ये हमारा एक्टिविटी रेशियो बताता है। इसमें हमारे रेशियो आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये हमारे एक्टिविटी रेशियो के अंडर में आते हैं। एंड लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वेरी नोइंग वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, एक बिजनेस के प्रॉफिट को मेजर करने के लिए जो रेशियो निकाले जाते हैं दैट्स कम्स अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दीज आर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑल आर प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग रेशियो, एंड लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारे कुछ रेशियो इसके अंदर में आते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट रेशियो हमें अपने टोटल क्लासिफिकेशन में कैलकुलेट करने हैं।